आइए सुनिए गबन भाग 13। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुने हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत ना थी। यहां तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा जला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थी पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वे दो गहने बहुत ही तुच्छ जंचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सराफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठकर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहां तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं कहने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, आखिर रईसों के पास ना जाए तो किसके पास जाए? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बता होगा तो आपसे चार पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बहुनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की ना कहो, चीजें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से दो चीजें निकाली, एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थी, ऐसी चमक थी मानो दीपक चल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, अभी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही ना रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया, उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही ना रही। रामेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जंचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर क्या आने लगती है, न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीजें पसंद है ना? जालपा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। रामेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी? आह, उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही ना पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी ना हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली, उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सराफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे मगर ऊंचे दाम होंगे, लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता। जालपा,
लेना ही नहीं था तो यहां लाए क्यों? जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। बोला, तो ले लूं? जालपा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे? क्या मुफ्त में दे रहा है? रमाना, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें? आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपया होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। रामेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा। रुपये अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं? एक बार चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो, मोह और दुविधा में ना पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। रामेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि रामेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूं। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी, वह आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है? न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहां से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्यागमूर्ति माता की इतनी सेवा भी ना कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी, कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले ना ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूं, मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह ना था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीस गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, हाँ रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है? रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम ये कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले दाम क्यों ना पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती? फेरते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो फेरना तो पड़ेगा ही, इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था।
दलाल का नाम चरणदास था, बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह ना दिखाऊं। धनी नाम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे, आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। ये सब रईसों की ही पसंद की चीजें हैं, गंवार लोग इनकी कदर क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह ना देखिए बाबूजी, जब बहूजी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिदक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत ना की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माजी? रामेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ ना बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नापतोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वह ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम मांगती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने पर ही राजी हो जाए। कुछ झेम कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। जालपा, कुछ भी हो 600 से ज्यादा का नहीं। और रिंग का? अधिक से अधिक 100 रुपए। यहां भी चूकी, 150 मांगता है। जट्टू है कोई, हमें इन दामों लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा ना हुआ था, आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उसे छिपी ना थी, फिर वह 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था और वह ये कि दलाल 600 पर राजी ना हो। बोला, वह 850 से कौड़ी कम ना लेगा तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है, अम्मा जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है। देना हो तो दे दो, नहीं चले जाओ। रामेश्वरी, हाँ अरे क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊं। जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब ना देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा, चुनी चुना, आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूं। रमानाथ, वाह फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा तालान में आकर बोली, जरा यहां आना जी। ओ सराफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? माल बेचने आते हो या लूटने आते हो? 700 रुपए कंगन के मांगते हो? 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दें उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीजों के 700 से अधिक ना दूंगी। बहुजी आप तो अंधेर करती हैं, कहां 850 और कहां 700, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान ना फेरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहुजी, इन चीजों पर पैसा रुपया नफा है, उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बट्टा खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। कह दिया वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है, फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे?
जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिए कि नहीं 700 में, 150 साफ उड़ाए लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों नहीं कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा, मैं ना लूंगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहां से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है, फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़ी थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, दो चीजें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों, रुपए ना देने पड़ेंगे। जालपा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। क्या कुछ कहती थी? उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं तो रुपए कौन देगा। रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने ये चीजें ले ली, अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए ना थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था, क्या उसके हृदय की भी यही दशा ना थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी, क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी, क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहां था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने तो अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर ना झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर ना जाते। 11 बज गए थे, दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो।